कैसे हैं आप सब लोग? आइए क्वेश्चन करते हैं। हम लोग कर रहे हैं रेलेवेंट कॉस्टिंग। चैप्टर का नाम क्या है? रेलेवेंट कॉस्ट। कहता है जो वी लिमिटेड है ना बेटा, वो मैन्युफैक्चर करती है डेस्क। क्या मैन्युफैक्चर करती है? डेस्क। इसके लिए जो वो मटेरियल यूज करती है वो चेयर बनाने के लिए यूज होता है, और चेयर बनाकर हमें पर चेयर 5 रुपए बचते हैं, और एक चेयर बनाने के लिए 2 किलो माल लगता है। तो कह रहा है बताओ डेस्क का मिनिमम प्राइस क्या होना चाहिए। रिपीट, डेस्क का मिनिमम प्राइस क्या होना चाहिए? दो स्थिति में हमसे पूछ रहा है। एक, जब मटेरियल पैनल प्लेंटी में है, मतलब अवेलेबल है। क्या है? अवेलेबल फॉर डेस्क, और स्केयर्स है, मतलब विल बी डाइवर्टेड फ्रॉम चेयर्स टू डेस्क। बस समझे, प्लेंटी का मतलब है कि हमारे पास बहुत माल है, बहुत माल है। चेयर तो बनाते रहो, डेस्क भी बना लो। स्केयर्स का मतलब है भाई साहब माल लिमिटेड है। अगर डेस्क बनाओगे तो चेयर नहीं बना सकते। फॉर मेकिंग डेस्क यू विल हैव टू शिफ्ट मटेरियल फ्रॉम चेयर्स टू डेस्क। समझे दोनों बातों में मतलब? है ना जबरदस्त। तो प्लेंटी का मतलब बेटा ये है कि चेयर भी बनाओ, डेस्क भी बनाओ, कोई समस्या नहीं है। स्केयर्स का मतलब है या माल लिमिटेड है। अब भाई चेयर बनाओगे तो डेस्क नहीं बना सकते, डेस्क बनाओगे तो चेयर नहीं बना सकते। तो अब वो कह रहा है बताओ क्या प्राइस होना चाहिए डेस्क का। कैसा लगा? आइए करते हैं आंसर। केस 1, सिंस मटेरियल इज अवेलेबल इन प्लेंटी, देयरफॉर यूज ऑफ मटेरियल विल नॉट इफेक्ट प्रोडक्शन ऑफ चेयर्स। हेंस प्राइस शुड कवर कॉस्ट प्लस रीजनेबल प्रॉफिट। ठीक है, तो प्राइस क्या हो जाएगा? ले लो मटेरियल क्या है, 3 किलो 2 रुपए के हिसाब से। मटेरियल कॉस्ट ₹3, नहीं 3 किलो 2 रुपए के हिसाब से, 3 kg एट द रेट ऑफ 2, 6 रुपए का। लेबर 5 रुपए, वेरिएबल ओवरहेड 4 रुपए, फिक्स्ड ओवरहेड एलोकेटेड नील। बताओ क्यों? टोटल कॉस्ट 15 रुपए,
फिक्स्ड ओवरहेड ना एलोकेटेड है, एलोकेटेड का मतलब है ये तो हमारे खर्चे हो ही रहे हैं, बस इनका हम बंटवारा कर रहे हैं। मान लो हम चेयर बनाते, पहले पहले सारे फिक्स्ड ओवरहेड चेयरों के ऊपर जा रहे थे, अब हमने डेस्क बनाना शुरू कर दिया तो थोड़े चेयर पे डाल देंगे, थोड़े डेस्क पे डाल देंगे, पर ये खर्चे डेस्क बनाने की वजह से थोड़ी हो रहे हैं, तो इसलिए ये इररेलेवेंट है। क्या है? इररेलेवेंट। एलोकेटेड ओवरहेड्स क्या होते हैं? इररेलेवेंट। क्यों? क्योंकि ये तो पहले भी उतने थे टोटल, अब भी उतने, सिर्फ बांटने वाली बात है, चेयर पे कम कर देंगे, डेस्क पे बढ़ा देंगे, पर डेस्क बनाने की वजह से ये थोड़ी हो रहे हैं। डेस्क बनाओ या ना बनाओ ये तो होंगे ही होंगे। इस वक्त हम देख रहे हैं बेसिकली रेलेवेंट कॉस्ट, यानी डेस्क बनाने की रेलेवेंट कॉस्ट, तो इसलिए एलोकेटेड फिक्स्ड ओवरहेड नहीं लिए जाएंगे। तो इस केस में प्राइस क्या हो जाएगा? प्राइस शुड बी रुपीज 15 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। प्रॉफिट की चर्चा नहीं करिए, तो वो प्रॉफिट तो ऑब्वियसली आप चार्ज करोगे। अगर प्राइस डिजायर्ड प्रॉफिट की बात बंद कर दें, मिनिमम प्राइस कहें, तो फिर 15 है, क्योंकि प्रॉफिट जीरो मान लो। हिंस मिनिमम प्राइस शुड बी रेलेवेंट टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट दैट इज डेस्क विच इज रुपीज 15। कैसा? तो इस केस में जो बेटा मिनिमम प्राइस है वो क्या होगा? 15 रुपीज। क्यों? क्योंकि मटेरियल प्लेंटी में अवेलेबल है। अब बात करेंगे केस टू की। केस टू, व्हेन मटेरियल इज स्केयर्स देन इट मींस फॉर प्रोड्यूसिंग चेयर्स चेयर्स नहीं डेस्क फॉर प्रोड्यूसिंग डेस्क वी विल हैव टू डाइवर्ट यूज ऑफ मटेरियल फ्रॉम चेयर्स टू डेस्क हेंस वी विल लूज कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम चेयर्स देयरफॉर प्राइस ऑफ डेस्क शुड बी रेलेवेंट कॉस्ट प्लस लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम चेयर्स। कैसा लगा? कंट्रीब्यूशन फ्रॉम चेयर्स, समझे? तो इसका मतलब, ऊपर चलते हैं, इसका मतलब जो डेस्क है उसकी रेलेवेंट कॉस्ट क्या है? 6 रुपए, 5 रुपए, 4 रुपए। इसके अलावा क्योंकि हम अगर चेयर बनाते हैं तो पर चेयर 5 रुपए कमाते हैं 2 किलो मटेरियल से, यानी 2.5 रुपए किलो कमाते हैं। तो अगर हम चेयर से मटेरियल को निकालकर डेस्क बनाने में लगाएंगे तो 2.5 रुपए किलो मटेरियल का हमें लॉस होगा, जो डेस्क को पूरा करना पड़ेगा
और डेस्क बनाने के लिए 3 किलो मटेरियल लगता है। अर्थात 3 × 2.5 7.5 रुपए डेस्क को हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के रूप में देने पड़ेंगे। तो अब इसका हो जाएगा, इधर देखिए देखिए, मिनिमम प्राइस ऑफ डेस्क फर्स्ट मटेरियल कॉस्ट 3 kg एट द रेट ऑफ 2 6 रुपए, लेबर कॉस्ट 5 रुपए, वेरिएबल ओवरहेड 4 रुपए, 5 रुपए वेरिएबल ओवरहेड 4 रुपए, फिक्स्ड ओवरहेड्स एलोकेटेड हेंस इररिलेवेंट नील। मैं लिख देता हूं ताकि आपको पता रहे कि मैं भूला नहीं। कई बच्चे सोचते हैं हो सर तो फिक्स ओवरहेड भूल गए, हो सर तो फिक्स ओवरहेड भूल गए, मैं भूला नहीं, मैंने लिख दिया, वो इररिलेवेंट है। अब लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन, वो 5 रुपए था 2 किलो के ऊपर और हम कितने किलो यूज करेंगे 3 किलो, तो वो हो गया 7.5 रुपए। आप टोटल कर लो 15 × 22 रुपए। तो मिनिमम प्राइस क्या हो जाएगा बिना प्रॉफिट कंसीडर किए 7.5 रुपए। बताइए कैसा लगा है, कैसा लगा है, बताइए कैसा लगा है, अब बताइए, है ना इंटरेस्टिंग। फिर सुनो भैया, 15 रुपए तो हमारी कॉस्ट आएगी आएगी, माल है नहीं, डेस्क बनाओगे तो चेयर नहीं बना सकते, चेयर पे बचत होती है 5 रुपए की, माल लगता है 2 किलो, 2 किलो लगा के 5 रुपए मिलते हैं, अर्थात 1 किलो पे 2.5 रुपए मिलते हैं। अब अगर चेयर छोड़ के डेस्क बनाऊंगा तो डेस्क में तो लगेगा 3 किलो माल और 1 किलो माल के 2.5 रुपए मिलते हैं चेयर में, तो डेस्क को वो चेयर भी तो कमा के, चेयर का लॉस भी तो कमा के देना पड़ेगा। तो 3 किलो × 2.5 7.5 रुपए डेस्क को हमें कमाकर देने पड़ेंगे, वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। यू समझो ना, मैं किसी और बच्चे को पढ़ाता हूं, वो बच्चा मुझे 10,000 रुपए देता है, आप कहते हो सर मुझे पढ़ा दो, मुझे पढ़ा दो, मुझे पढ़ा दो, मैं कहूंगा बेटा देखो वो 10,000 देता है, तेरे घर आऊंगा मेरा 2,000 रुपए पेट्रोल लगेगा, 10 मुझे उससे मिलते हैं तो तू मुझे 12 तो दे, सोच के देखो। आपको कहे हाँ सर सही बात है, उस बच्चे को छोड़ के मुझे पढ़ाओगे तो 10 तो वो देता ही है और वो तो आपके घर आता है, आपसे मैं कह रहा हूं आप मेरे घर आओ और घर आओगे तो आप तो 2,000 रुपए आपका खर्चा आ जाएगा आने का और 10,000 उस बच्चे के पढ़ाने के छोड़ रहे हो आप, तो आपके 12,000 तो कॉस्ट ही हो गई सर, बात तो सही है। कैसा लगा, वही बात यहां है भाई, डेस्क बनाओगे तो चेयर नहीं बना सकते, चेयर बनाते 2 किलो माल लगाते 5 रुपए कमाते, 1 किलो पे 2.5 रुपए कमाते, अब चेयर में से माल निकाल के डेस्क बनाने में लगाओगे, डेस्क में लगेगा 3 किलो माल, तो 2.5 रुपए के हिसाब से 3 किलो के 7.5 रुपए डेस्क से कमाई भी तो होनी चाहिए। डेस्क की वो क्या हो गई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कैसा लगा, तो बच्चों ने देखा सर ने दोनों केस मस्ती के साथ करा दिए हैं। When material is scarce और यहां पर when material is abundant plenty, मेरे ख्याल बढ़िया क्लियर हो गया होगा बच्चों को, थम्स अप।